अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस प्लैनेट कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक ठाक अलहमद आज मैं आप लोगों के पास जिन दो तो प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर आई हूँ वो है कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन नोट कॉस्मेटिक्स का स्किन परफेक्टिंग प्राइमर एंड नेपिन फिट मी डू स्मूथ प्राइमर ओके okay, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में आज बताती हूँ सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मैंने ये मेपलिन का जो फिट मी डू स्मूथ नॉर्मल टू ड्राई प्राइमर विद वाइट ई लिया है कि मैंने अलक्रम स्टूडियो की सेल लगी थी उसमें फोटी परसेंट में लिया था और ये मुझे थाउजेंड सिक्सटी या थाउजेंड नाइन्टी रुपीज़ का मिला था एंड एक्चुअल प्राइस इसकी उस वेबसाइट पर वन है अच्छा और सेकेंड जो मैंने ये जे डॉट नोट कॉस्मेटिक्स का स्किन परफेक्टिंग प्राइमर लिया था मैंने ये आपको ऐसे दिखाती हूँ स्किन परफेक्टिंग प्राइमर लिया था मैंने पोर मिनिमाइज़र प्लस शाइन कंट्रोल ये मैंने भी ऑनलाइन ही लिया था और ये मैंने जे डॉट की वेबसाइट से लिया था और तो और किसी वेबसाइट से नाहिद वगैरह पे भी अवेलेबल होता है बट मैंने जे डॉट की ही वेबसाइट से इसको मैंने लिया था अच्छा मैं इसका कंपैरिजन इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि ये जो नोट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर है ना ये मैंने सेकेंड टाइम लिया है और ये मैंने लिया है फ़र्स्ट टाइम मेरी स्किन है गर्मियों में कॉम्बिनेशन और सर्दियों में एक्सट्रीम ड्राई uh, मेरी स्किन हो जाती है तो पूरा साल तो मैं यूज़ कर रही होती हूँ ये इसके और इसमें मुझे डिफरेंस लगा बहुत ज़्यादा और इसमें फ़र्क ये है कि जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना जे डॉट कॉस्मेटिक्स का uh, जे डॉट नोट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर ये थोड़ा सा मैट फिनिश देता है और इसके अलावा इससे मेरे पोर्स अच्छे हाइड हो जाते हैं स्मूथ इससे भी होता है कवरेज जब मैं लाइक like फाउंडेशन लगाती हूँ कुछ भी मेकअप करती हूँ तो अच्छा रहता है सब सही है लेकिन फ़र्क है अब ये इसके जब मैंने फिटमी uh, के साथ अब मैं compare, अब सोचती हूँ कि यार क्या डिफरेंस है तो मुझे सर्दियों के हिसाब से ये ज़्यादा सही लगता है फॉर ऑब्वियस रीजनस ऑफ कोर्स जब ये मेरा मैट कर रहा है और ये मेरा थोड़ा डुई लुक दे रहा है एक एक्सट्रीम ड्राई स्किन वाले इंसान को और क्या चाहिए कि जब वो मेकअप कर रहे हो तो उसका डुई फिनिश होना चाहिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा इससे मेरे पोर्स इतने अच्छे से हाइट तो नहीं हुए मेरे थोड़े से नाक के साइड पे पोर्स ओपन है तो वो इतने अच्छे से हाइट नहीं हुए लाइक like, हो गए आ, जो थोड़े से बड़े हैं वो तो आप कितने भी प्राइमर यूज़ कर लें कम्पलीटली आपका चेहरा फ्लॉलेस तो नहीं होता है बट बहुत हद तक हो गए थे पकड़ ज़्यादा इससे हुए थे लेकिन इसके अलावा जो डुई फिनिश आती है ना यस yes, वो आती है लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपनी स्किन भी प्रैप करनी पड़ती है जैसे कि अगर आपने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ है एंड उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप डुई फिनिश ही फाउंडेशन अप्लाई करें लाइक मेरा जो फाउंडेशन है वो मेबलिन का है मैं मेबलिन का आजकल यूज़ कर रही हूँ फिटमी वन ट्वेंटी फाइव न्यूड बेज वो डुई फिनिश मैं यूज़ करती हूँ और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो डुई फिनिश uh, Uh, मुझे देखना पड़ेगा इस वक्त मुझे जहन में तो नहीं आ रहा है कि वो डुई फिनिश है या वो मैट पोलेशस फाउंडेशन है आम, लेकिन ये है कि जब मैं उस इसको लगाती हूँ ना उसके साथ तो अच्छी एक फिनिश आती है और मैं भी आपको इन दोनों का टेक्स्चर दिखाती हूँ सी मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे लगाया है ना फर्स्ट ये मैंने लगाया है जे डॉट का प्राइमर और सेकंड मैंने ये लगाया है मे का प्राइमर आप इनके दोनों टेक्सचर्स देख लें ये बहुत इसकी पैकेजिंग भी वैसे बहुत अच्छी है नोजल है दोनों का आराम से ये जो है वो आप यूज़ कर सकते हो उसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं होती बहुत अच्छा सा इनका पंप है दोनों का और अब ये आप देखें दोनों का टेक्सचर देखें इसका थोड़ा सिलिकॉन बेस्ड तो नहीं है ये लेकिन ये मेपलिन का आप देखें थोड़ा ऐसा लगता है जैसे क्रीम फॉर्म में है और ये बहुत अच्छा है ये देखें मैंने इसको अपने हाथ पे रब भी किया है आप देख सकते हैं कि ये मेपलिन वाला मैंने कहा ना थोड़ा क्रीम फॉर्म में है तो ये इस तरह का है और ये ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है और ये देखें ये जे डॉट का है जो ये ऊपर फर्स्ट पे इस तरह का इसका टेक्सचर है बहुत अच्छे हैं तो मेरी तरफ से तो ये कम्प्लीटली रिकमेंडेड है जिन लोगों की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है वो फिटमी का डुई फिनिश डू प्लस स्मूथ प्राइमर ले सकते हैं और जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है समर के हिसाब से तो ये स्किन परफेक्टिंग प्राइमर जे रॉड का बेस्ट है बट फॉर नाउ डिसम्बर से लेके मार्च एंड अप्रैल तक जब तक कराची में ह्यूमिडिटी नहीं आ जाती मैं तो मे बी इनका फिटमी डुई स्मूथ ही यूज़ करने वाली हूँ इन शाह और ये बहुत अच्छा लगा इन दोनों की एक्सपायरी ये है कि आप आफ्टर ओपनिंग वन ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये कि आ, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ और भी पूछना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में भी बताइएगा और अब मैं आपके पास पजनशाला तला नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ जल्द वापस आऊँगी टिल देन बाय